तो दोस्तों आपका बजट 20,000 है और इस प्राइस में टॉप कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस प्राइस में काफ़ी सारे स्मार्टफोन मिल जाते हैं, लेकिन सभी स्मार्टफोन में अच्छा कैमरा सेटअप नहीं होता है और कैमरा सेटअप सिर्फ मेगापिक्सल पर ही निर्भर नहीं करता है बल्कि और सारे फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है, जैसे कि फ़ोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, फ़ोन में किस तरह से सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज किया गया है, तो ये सब सारा फैक्टर्स भी है जिस पर कि कैमरा सेटअप निर्भर करता है। तो इस वीडियो में टॉप 3 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें 2 5G स्मार्टफोन होगा और एक के अंदर 5G का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। फ़ोन में सुपरमैन का डिस्प्ले मिलेगा, साथ में 120Hz का फास्ट एफपीएस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि फ़ोन के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगा आपको, जिससे कि आप भी अंडर 20K में एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं। तो इसी तरह के डेली टेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने लिस्ट के 3rd नंबर स्मार्टफोन से। और मेरे लिस्ट में 3rd नंबर पर है Redmi Note 10 Pro Max। इस फोन के साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर 6.6 इंचेस का सुपर उनका डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ में 120Hz का फास्ट एफपीएस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ में 180Hz का टच सेंसर भी दिया गया है, यानी कि इस फोन के अंदर एक अच्छा डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ में अगर गेमिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी गेमिंग वगैरह आप कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। इस फोन में परफॉर्मेंस के लिए लगा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट, और ये भी चिपसेट काफ़ी अच्छा चिपसेट है जिसके अंदर आपको स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन ये चिपसेट 4G का ही सपोर्ट करता है। रियर में क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है, मेन सेंसर है 108 MP का, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है, प्लस 5 MP का माइक्रो सेंसर दिया गया है, प्लस 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है, और इस कैमरा से 4K में 30fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिससे कि 1080 में आप इससे भी HD में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में 5020mAh की बैटरी मिलेगी, जिसके साथ में 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। 6GB रैम प्लस 128GB की प्राइस 20,000 है, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन को आप ऑफर या फिर सेल्स वगैरह में परचेस करते हैं तो इस स्मार्टफोन को आप 18.5 के प्राइस में परचेस कर सकते हैं। इस प्राइस के अंदर अगर आपको एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप Redmi Note 10 Pro Max को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर 4G का ही सपोर्ट दिया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो इस प्राइस सेगमेंट में ये स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट ऑप्शन आप सबके लिए बन जाता है, जिसके साथ में अगर गेमिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो इस फोन में किसी भी गेम को आप हाई सेटिंग में खेल सकते हैं और वहाँ पे भी एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है। साथ में डे टू डे यूजेज में फ़ोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपका बजट 18 से 19 हज़ार के आसपास है और इस प्राइस में एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को उन दोस्तों के पास आप शेयर कीजिए फेसबुक या फिर व्हाट्सअप पर, जिनको कि 20,000 के अंदर एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। और मेरे लिस्ट में 2nd नंबर पर है मोटो एज 20 फ्यूजन। इस फोन के साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आता है, और लेकिन इसका जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम बनाया गया है। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर 6.7 इंचेस का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ में 90Hz का 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फोन में परफॉर्मेंस के लिए लगा है MediaTek Dimensity 800U का चिपसेट, और ये चिपसेट डुअल 5G मॉडेम के साथ में आता है। अगर इस चिपसेट को अगर 4G से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर ये डेफिनेटली ये काफ़ी पावरफुल बन जाता है। रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, मेन सेंसर है 108 MP का, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है, 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है, और इस कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है और इससे भी 1080 में HD में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जिसके साथ में 30W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 6GB रैम प्लस 128GB की प्राइस 21,499 रुपये है, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन को आप ऑफर या फिर सेल्स में परचेस करते हैं तो इस स्मार्टफोन को आप 20,000 के प्राइस में परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका बजट 20,000 है और इस प्राइस के अंदर एक बेस्ट कैमरा के साथ में एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, जिसके अंदर 13 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है, साथ में इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर कुछ भी ब्लॉटवेयर कुछ भी एड्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे
और एक बिल्कुल क्लीन यूआई का एक्सपीरियंस वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इस स्मार्टफोन को आप जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। और मेरे लिस्ट में पहले नंबर पर है आईक्यू जेड 5G स्मार्टफोन। इस फोन के साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, साथ में ये भी स्मार्टफोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आता है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी प्रीमियम लिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो इसके अंदर 6.6 इंचेस का FHD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ में 120 हर्ट्ज का 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ में इसके प्रोटेक्शन के लिए पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। फोन में परफॉर्मेंस के लिए लगा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट, जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, जो कि डुअल 5G मॉडेम के साथ में आता है। रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, मेन सेंसर है 64 MP का, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है, प्लस 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। और इस फोन के साथ में 4K में 30 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिससे कि 1080 में HD में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जिसके साथ में 44W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 8GB रैम प्लस 128GB की प्राइस 24,000 है। लेकिन दोस्तों, इस स्मार्टफोन को ऑफर या फिर सेल्स वगैरह परचेस करते हैं तो इस स्मार्टफोन को आप 22,000 के प्राइस में परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 20,000 से 22,000 के आसपास है और इस प्राइस के अंदर एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं या फिर गेमिंग वगैरह करने के लिए आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, यानी कि इस फोन के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 18,000 से 19,000 के आसपास है तो इस प्राइस के अंदर अगर आपको एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स को जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फोन के अंदर 4G का ही सपोर्ट दिया गया है और वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो आपका बजट है उसके अनुसार फ़ोन को आप परचेस कर सकते हैं, जिसके अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाता है। अगर फिर भी फोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।